टॉपिक एरर्स, ठीक है, एरर्स। एरर्स में हमने क्वेश्चन किया था कि अगर मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, मान लो वो रेजिस्टेंसेस ये हैं, तो मान लेते हैं ये आर वन है, मान लेते हैं ये डेल्टा आर वन है, ये डेल्टा आर वन है, ये आर टू है और ये डेल्टा आर टू है, ठीक है। तो पहला पार्ट था कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज के अंदर आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस निकाल लें, तो आर एस की वैल्यू इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगी और डेल्टा आर एस में ऐड करेंगे 0.2 आएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं किया हुआ हमने। फिर इसका एक पार्ट आता था कि इनको किस में कनेक्ट करें, पैरेलल में। तो पैरेलल में मैं फॉर्मूला लगाता था आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी कराया आर वन इंटू आर टू बाई आर ऑफ एस, ये हमने किया। फिर हमने आर पी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, यानी कि 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 करके, जो कि कितनी आई, 6 डिवाइडेड बाई 5 आ गई थी। और जब आर ऑफ पी की वैल्यू आर वन इंटू आर टू बाई आर एस थी, तो मैंने इसमें जब एरर का रूल लगाया था तो ऐसा रूल लगा था डेल्टा आर वन बाई आर वन डेल्टा आर टू बाई आर टू डेल्टा आर एस बाय आर एस। फिर मैंने कहा था वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना डेल्टा आर पी का, ऐसे ही था। आपने आज के बाद इसको ऐसे नहीं करना, मेरी बुकलेट में या मेरे असाइनमेंट में मैंने करवाया था उसको प्लीज कैंसिल कर देना। ऐसा नहीं कि वो गलत है, आप सारी बुक्स में चेक कर लें, वो ऐसे ही किए जैसे मैंने किया है, एक्सेप्ट एनसीईआरटी। एक एनसीईआरटी की बुक है जिसको अलग तरीके से करती है, और मेंस में 3 बार आया है पिछले 5 साल में, 3 बार रिपीट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 1 साल छोड़ के आता है, मेंस नीट सब में आता है, स्कूल में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं। आपने क्या करना है, अब इस नोट करें, ये नोट कर लें, फॉर्मूला बिल्कुल में नोट करें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरेलल के अंदर 1 बाय आर पी, 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू, ये लिखें, आर ऑफ पी रेज टू पावर माइनस वन आर वन आर टू, इसको डिफ्रेंशिएट करें। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, रेज टू पावर माइनस टू डी ऑफ आर वन माइनस वन आर टू रेज टू पावर माइनस टू डी ऑफ आर टू। माइनस 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 कैंसल, और आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ये लो, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा आरपी आरपी स्क्वायर डेल्टा आर वन स्क्वायर डेल्टा आर टू स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्रूफ नोट करना है करें, आपको समझाने के लिए प्रूफ कोई ना पूछेगा, ये फॉर्मूला नोट कर लें, आपने ऐसे करना है, ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ तो किसी किताब में लिखा भी नहीं हुआ, जिस बता रहा हूं कि कैसे उसने इसको डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट निकाला है। अब अगर कल को डेल्टा आर पी निकालना हो, आपको डेल्टा आर वन पता है, डेल्टा आर टू पता है, आर वन पता है, आर टू पता है, और आर पी भी पता है, यहां से करेक्ट आंसर आएगा। जितनी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन हैं तो वो इसी फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने ऐसे ही करना है, एनसीईआरटी में भी ऐसे करना है, स्कूल में आया तो भी ऐसे करना है। और अगर पूछे कि वो वैसा, कोई टीचर पूछेगा कि वैसे क्यों नहीं आंसर, ऐसे क्यों पूछा है, एनसीईआरटी की बुक दिखा देना, ये देखो इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ,